In this video, we understand exercise D. चलते हैं exercise D, question number 8. Question number 8 बोल रहा है कि find the greatest 3 digit number divisible by 3. Greatest 3 digit number आपको बताना है जो कि 3 से divisible हो, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर 3 times 9, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए. तो हमको पता है कि 3 से डिविजिबल हम कैसे चेक करते हैं, आपस में डिजिट को ऐड करते हैं. 9 + 9 + 9 कितना होगा, 27 होगा, और ये 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा. कोई दिक्कत, ऐसे ही बनाना आपको, ऐसे बनाना है, ये सर्कल नहीं करना, यहाँ से सॉल्यूशन यहाँ लिख देना, इट इज डिविजिबल बाय 3. क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डिविजिबल बाय 5. ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 4 times 9. लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या जीरो या उसके वंस प्लेस पे जीरो या फाइव होना चाहिए. तो वंस प्लेस पे जीरो या फाइव तो नहीं है, तो कैसे इसको करेंगे, सबसे पहले फाइव से इसको डिवाइड करेंगे. फाइव वन जा फाइव, फोर नाइन, फाइव नाइन जा 45, फोर नाइन, फाइव नाइन जा 45, फोर आया फिर नाइन आया, फाइव नाइन जा 45, कितना आया लास्ट में 4, कितना आया 4. अगर ये रिमाइंडर 4 नहीं आएगा तो 5 से पूरे तरीके से कट जाएगा. रिमाइंडर 0 का आने का मतलब क्या कि 5 से पूरे तरीके से डिविजिबल है. तो रिमाइंडर 4 आया, इसका मतलब अगर इसमें 4 हम घटा देते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा. रिमाइंडर क्या आएगा, 0. और जब रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल है. तो जो रिमाइंडर आता है उसको हम माइनस कर देंगे. 4 times 9 ऐसे माइनस 4 जब करोगे तो 9 9 9 5 आएगा. तो वंस प्लेस पे क्या आ गया, 5. तो 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए वंस प्लेस पे, 0 या 5 चाहिए. तो यही हमारा आंसर होगा. समझ आ रहा है ना, देखो इसका एग्जांपल देखो. 2 4 जा रिमाइंडर 2 से डिवाइड किए 9 को, 4 टाइम्स में रिमाइंडर 1 आया. रिमाइंडर क्या आया, 1. रिमाइंडर को अगर नंबर में माइनस कर दें, 9 में 1 माइनस अगर कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर 8 आ जाएगा, जो कि पूरे तरीके से डिविजिबल हो रहा है. तो रिमाइंडर आ रहा है तो उसको अगर माइनस करोगे तो नंबर पूरा डिविजिबल हो जाएगा. तो यहाँ जो 4 आ रहा है रिमाइंडर, अगर इसको घटा देंगे नंबर में से तो ये हमारा ऐसा नंबर आ जाएगा जो 5 से डिविजिबल है. घटाने का मतलब क्या, रिमाइंडर 0. रिमाइंडर 0 कब आता है, जब पूरा नंबर सही से एग्जैक्ट हो जाए, पूरे तरीके से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए. तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा आंसर है. क्वेश्चन नंबर टेन हाँ, कॉपी में ऐसे ही बनाइएगा डिवाइड करके. क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3. फरहान स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3. डिविजिबल बाय 3 जल्दी से. सबसे पहले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 100. अब ठीक है, चलो बताओ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100. लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि ये नंबर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए. तो 3 से डिविजिबल तो नहीं होगा, साफ दिख रहा है कि एक में 0 ऐड करोगे तो 1 और फिर 0 ऐड करोगे तो 1 ही रह जाएगा. तो क्या करें कि 3 से डिविजिबल हो जाए. अच्छा एक बात पता है तुमको कि पीछे की ओर तो नहीं जा सकते, क्योंकि फिर पीछे की ओर अगर जाओगे तो 2 डिजिट हो जाएगा. लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है क्या 3 डिजिट,
इसका मतलब ये है कि जब भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, आगे, जब भी जाएंगे तो आगे। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है क्या स्मॉलेस्ट, तो एक एक करके बढ़ाओ, 101 क्या 3 से डिविजिबल होगा, ऐड करो डिजिट को, 101 ऐड करोगे तो बस 101 ऐड करोगे तो 2 होगा आंसर, कितना होगा 2, नहीं होगा 2, 1 प्लस 0 प्लस 1 कितना होगा 2, ये भी डिविजिबल नहीं हुआ 3 से। फिर एक बढ़ाएंगे 102, अब देखो इसको ऐड करके कितना आ रहा आंसर 3, कितना आएगा 3, जो कि 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 3 से डिविजिबल होने वाला, स्मॉलेस्ट 3 नंबर क्या है 102, बैठो, कितना आसान है, आराम से बनाओगे तो सारा कुछ समझ में आएगा। और क्वेश्चन को नहीं छोड़ो, आप लोग 5 तक बना रहे हो, कोई 6 तक बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़े, पूरा बनाइए आप, अब बनाए पूरा ना, ठीक पूरा बनाया करो। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 नंबर डिविजिबल बाई 10, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 3 टाइम्स 9, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, कितना से डिविजिबल होना चाहिए 10 से, तो अगर आगे इसमें बढ़ोगे आप तो कितना डिजिट का हो जाएगा, ये 4 डिजिट का हो जाएगा, इसका मतलब इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते, तो जब भी बढ़ेंगे तो पीछे। तो 10 से डिविजिबल होने के लिए हम पढ़े थे कि उसके वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, तो इसमें से कितना माइनस कर दें कि 0 हो जाएगा 9, कितना माइनस कर देंगे 9, तो ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 990 हो गया, तो वंस प्लेस पे 0 भी आ गया, और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 10 से डिविजिबल होता है वो 990, आ रहा समझ में, सब चीज़ बता दिए, डिविजिबिलिटी बता दिए कि 10 से 9 से सारा बता दिए आपको, क्वेश्चन वही हिसाब से दे रहा है आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, राइट ऑल द नंबर बिटवीन 3 to 4 एंड 3 to 6, 3 to 4 एंड 3 to 6 विच आर डिविजिबल बाई 3, ऑल्सो फाइंड नंबर डिविजिबल बाई 6, हाँ डिविजिबल बाई 3 और डिविजिबल बाई 6, दोनों आपको बताना है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 3 to 4 और 3 to 6 में जो भी नंबर है जो 3 से डिविजिबल होता है, जो 6 से डिविजिबल होता है, आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले सॉल्यूशन जब आप बनाओगे तो सबसे पहले सारा इसके बीच का नंबर आप लिख देना, सारा इसके बीच का नंबर लिख देना आप, डिविजिबिलिटी नीचे लिखेंगे सबसे पहले 3 to 5, सारा नोट्स में बनाना, मैथ जितना ज़्यादा नोट्स में बनाया करो, रफ वहीं पे करना, मैथ का नियम है कि वहीं पे आप नीचे सॉल्यूशन करो, उसको रफ नहीं बोलो आप, वो सॉल्यूशन है, रफ बोलोगे दिक्कत होगा। थ्री टू नाइन, 3 to 3 0, 3 to 3 1, 3 to 3 2, 3 to 3 3 3, 3 to 3 4 और 3 to 3 5। क्वेश्चन बोल रहा है डिविजिबिलिटी बाई 3 से चेक करो आपके कौन कौन नंबर है, तो सबसे पहले 3 से डिविजिबल होने के लिए नंबर को, नंबर के डिजिट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो चेक कर लेना 3 to 5 5 10 कितना होगा 10 हुआ, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 2 5 6 11 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 2 5 और 7 12 जो कि 3 से डिविजिबल है, तो 3 2 7 एक नंबर हमको मिला, 3 2 5 8 13 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 2 5 9 5 14 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 3 6 जो कि 3 से डिविजिबल है, 3 3 6 7 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 3 6 2 8 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 3 3 3 ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 3 6 और 3 9 3 से डिविजिबल है, 3 3 6 4 10 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 3 6 और 5 11 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 3 से डिविजिबल वाला सारा नंबर लिख लिए 3 2 4 और 3 3 6 के बीच में, कोई दिक्कत। क्वेश्चन फिर बोल रहा है कि डिविजिबिलिटी बाई 6 भी बताओ आप, तो सबसे आसान तो ये है, आपको हम बताए हैं कि वैसा नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा और जो 2 से डिविजिबल होगा वही 6 से डिविजिबल होगा, तो 3 to 5 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से डिविजिबल होगा, तो इससे पता ये चला कि जो चेक करना है आपको वो सिर्फ इन तीनों में चेक करना है,
क्योंकि 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो 3 से सिर्फ 3 नंबर डिविजिबल हो रहा है, तो 3 से 3 नंबर डिविजिबल हो रहा है, तो और 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, 1's प्लेस पे 7 है, 2 से डिविजिबल होगा, 1's प्लेस पे 0 है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि 2 से भी डिविजिबल ये हो रहा है और 3 से भी डिविजिबल ये हो रहा है, तो इसका मतलब 6 से सिर्फ यही नंबर डिविजिबल होगा। आगे समझ में, इसी तरीके से बनाइएगा आप लोग, सबसे पहले इन दोनों के बीच का नंबर लिख लेना, उसके बाद डिविजिबल बाई 3 चेक कर लेना, डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 6 का यही हम लोग पढ़े थे कि वैसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल है, जो 3 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड ऑल द नंबर बिटवीन 1568 एंड 1604 विच आर डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 10। 1568 एंड 1604, 1604 के बीच का आपको नंबर लिखना है, तो सबसे पहले इन सारे बीच का आप नंबर लिख लेना, 1569 से 1569 से लेके 1603 तक सारा नंबर लिख लेंगे आप। उसके बाद क्वेश्चन बोला है कि डिविजिबिलिटी बाई 5 चेक करो, तो डिविजिबिलिटी 5 तो साफ साफ आपको दिखेगा, यहाँ तो चेक भी नहीं करना है कि जिसके वंस प्लेस पे अगर 0 या 5 हो, जिसके वंस प्लेस पे 0 या 5 रहेगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, सारा देख के आप लिख देना, इसमें देख के बन जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है इसी में कि डिविजिबल बाई 10 आप बताओ, तो जिसके वंस प्लेस पे 0 होगा तो लिख देना, आसान है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लार्जेस्ट डिजिट दैट कैन फिल द ब्लैंक टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई नंबर रिटन इन द सर्कल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं, पहला ऑप्शन लेके 61, क्वेश्चन ऐसे है 61 ब्लैंक और सर्कल में 2 है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्लैंक में आप ऐसा डिजिट भरो जो 2 से डिविजिबल हो, जो सर्कल में जो नंबर है उससे डिविजिबल होना चाहिए। क्वेश्चन सारा जो सर्कल के अंदर है उससे डिविजिबल होना चाहिए पहले वाला नंबर, तो ब्लैंक में ऐसा डिजिट, लार्जेस्ट डिजिट भरो जो 2 से डिविजिबल हो, तो 0 भी भरेंगे तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 भी भरेंगे तो 2 से डिविजिबल होगा, तो क्वेश्चन बोल रहा है लार्जेस्ट डिजिट, तो क्या भरेंगे, 8, क्या भरेंगे, 8। आगे समझ में, एक ही डिजिट आपको भरना है ब्लैंक में जो कि लार्जेस्ट भरना है, और उसके बगल में देख लेंगे जो सर्कल के अंदर है उससे डिविजिबल होना चाहिए। आगे समझ में, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का एन 1 to 1 ब्लैंक डिविजिबल बाई 10 आपको चेक करना है, तो इसमें कौन सा लार्जेस्ट नंबर भरोगे जो 10 से डिविजिबल होगा, तो अब तो पता है कि 10 से डिविजिबल होना चाहिए, होने के लिए उसके वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0, तो बिना सोचे समझे क्या भरेंगे, 0। बहुत आसान, आपको जो सर्कल सबसे आसान आपके सर्कल के अंदर जो है उससे डिविजिबल चेक कर लेना आपका, ठीक है। तो सारे लोग एक्सरसाइज डी को कंप्लीट कर लेना, कल हम